नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। आज की ये ठंडी ठंडी सुबह आपको आनंदित कर रही होगी चाय की चुस्कियों के साथ। आप दिवस की शुरुआत कर रहे होंगे, हाँ ज़रूर, अपने रजाई से बाहर भी आ गए होंगे क्योंकि आपको अपने दफ्तर जाना होगा, अपने कार्यक्षेत्र पर जाना होगा। जाते जाते आपको एक सुंदर सुवाक्य दे रहे हैं क्योंकि शुरुआत हम सबरंग की सुवाक्य से ही करते हैं। और आज का सुवाक्य एक ऐसे महापुरुष का जो बहुत ही गरीब परिवार से उठे और भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और साथ ही जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम, वाह, सफलता का सूत्र छिपा है इस वाक्य में। जी हाँ, यदि जीवन में सच में कुछ हासिल करना है तो यकीन मानिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपना 100% देना ही होगा और यदि आप हाथ बांधे इंतजार करते रहेंगे तो आपको बस उतना ही मिलेगा जो मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। इसीलिए परमात्मा शिव भी कहते हैं कि बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो मेहनत करिए और सफलता को अपने गले का हार बना लीजिए। डॉक्टर कलाम के इस सुंदर, उत्साहजनक, मन में गर्माहट लाने वाले सुवाक्य के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मित्रों, ठंड भले ही है लेकिन आप इस ठंडी में भी वॉकिंग या जॉगिंग ज़रूर करें क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मन भी स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ। और साथ साथ खान पान, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हम प्रतिदिन खाते तो इन चीज़ों को ज़रूर है लेकिन आज ऐसी 7 चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें लेते तो हम ज़रूर हैं लेकिन इनकी मात्रा हमें बढ़ाते चलना है यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। 7 खाने में ऐसी चीज़ है जिसको हमें कम करते जाना है और 7 चीज़ों को खाने में बढ़ाते जाना है। क्या बढ़ाना है? सबसे पहले स्प्राउट्स अर्थात अंकुरित धान्य। दूसरा सब्जियां, मिनिमम 200 ग्राम रोज लेना है। तीसरा फ्रूट्स, वो भी मिनिमम 200 ग्राम रोज लेना है। चौथा पानी, प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर समय पर पानी लेना इम्पॉर्टेंट है। पांचवा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, प्लस B12 भी होता है, इसलिए वो हमें बादाम, अखरोट, किशमिश या खजूर जैसे ड्राई फ्रूट हम रोज ले सकते हैं। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स अर्थात साबुत धान्य अर्थात छिलके वाले धान्य हमें लेने हैं ताकि हमें धान्य के साथ फाइबर्स भी मिले। और लास्ट दही और छाछ। दही और छाछ इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए अच्छा है इसलिए रोज ले सकते हैं, लेकिन जिसको अस्थमा है, जिसको कोल्ड कफ बार बार होता है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है और जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, उन्हें ये नहीं लेना है। तो ये 7 चीज़ों को हमें रोज लेना है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 5 और सुपर फूड्स को जिनका हमारे आहार में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, गहरे हरे रंग के पत्ते यानी पालक, सरसों, मूली आदि के साग। दूसरा, दालें जैसे सोयाबीन, मटर, मूंगफली और सभी प्रकार की दालें। तीसरा है सरस फल जैसे जामुन, बेर, स्ट्रॉबेरी और शहतूत। चौथा है शकरकंद। स्वाद में मीठा होने के बावजूद ये हमारे ब्लड शुगर के लिए अच्छा है और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। पांचवा है मशरूम। इनमें विटामिन ए, पोटेशियम और फाइबर के साथ बहुत खास एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। ये थे कुछ सुपर फूड्स
जो सारे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। मित्रों, विविधता में एकता, ये हमारे देश का एक सुंदर परिचय देने वाला है। कितने विविध संस्कृतियां हैं, कितने विविध लोग हैं, कितने जाति भाषा धर्म के लोग। और पूर्व में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ भी ऐसी ही विविधता केवल एक ही राज्य में दिखाई देती है, जहाँ का बिहू नृत्य न केवल भारतवर्ष में लेकिन सारे संसार में बहुत ही प्यार से देखा जाता है, सराहा जाता है। जी हाँ, हम असम की बात कर रहे हैं। असम नाम ही इसलिए है क्योंकि वहाँ विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए आज स्पिरिचुअल इंडिया में देखते हैं असम की सुंदर विविधता युक्त कला, संस्कृति और आध्यात्म को। असम जो जाना जाता है अपनी विविध संस्कृति और हरे भरे जंगलों के लिए, बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा असम अपने पर्यटन, मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। यह मेलों और त्योहारों का भी राज्य है। बिहू यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार प्रेम और खुशी का प्रतीक है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसी नदी के ऊपर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली एक आध्यात्मिक जगह है। वहीं असम की लोहित रिवर पर स्थित है भारत का सबसे लंबा ब्रिज ढोला सदिया ब्रिज। चाय के उत्पादन मामले में असम पहले नंबर पर आता है। विश्व के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर असम में ही स्थित है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में की जाती है। असम की राजधानी गुवाहाटी को सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहा जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर जैसे वशिष्ठ मंदिर, लंकेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, नवग्रह मंदिर, उग्रतारा मंदिर। वहीं इस राज्य में सन 1976 से ब्रह्म कुमारी संस्था मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण का कार्य कर रही है। तो ये थे आसाम से जुड़े कुछ अनूठे पहलू। मित्रों, अक्सर करके हम अच्छी बातों को भूल जाते हैं और बुरी बातों को याद रखते हैं, जो हमारी खुशी को छीनता रहता है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि बुरी बातों को भुला दिया जाए और कुछ अच्छी बातों को याद करके प्रफुल्लित रहा जाए, खुश रहकर खुशियां बांटा जाए। कुछ ऐसे ही सुंदर बातें हमारे बीच लेकर हमेशा आते हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए जरा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। तीरों की शैया पर अंत समय में भीष्म पितामह लेटे हुए थे और पांडवों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें उपदेश देता देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने पूछा, द्रौपदी तू क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, पितामह जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब आप भी उसी सभा में बैठे हुए थे, तब आपकी ये ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहां गई थी? तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी द्रौपदी, उस समय मैं दुर्योधन के अधीनस्थ रहता था, उसका अन्न खाता था, उसका पानी पीता था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब अर्जुन के तीरों ने मेरे सारे शरीर को छलनी कर दिया है और मेरा दूषित रक्त मेरे शरीर से बाहर निकल गया है, इसलिए मैं सच को और झूठ को, ज्ञान को और अज्ञान को भली भांति देख पा रहा हूं। बहन और भाइयों, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। नमस्कार। मित्रों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को निखार नहीं पाते। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज ने एक सुंदर ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है। 16, 17, 18 जनवरी को ग्लोबल भट्टी किया जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड वाइड सभी
BKs, मेडिटेशन करेंगे, तपस्या करेंगे। आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार होने जा रहा है और कोशिश करें कि इन तीन दिनों में आप भी अपने लिए वक्त निकालकर इस सुंदर मेडिटेशन के हिस्सा बने। मित्रों, एक सुंदर इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है, सचमुच मन कितना प्रसन्न हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने और विश्व की शांति के लिए इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। हमारी भी तो यही चाहना रहती है कि हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा कार्य क्षेत्र शांति से भरा हुआ हो, वहाँ कोई भी अशांति ना हो। कोई अशांति के कार्य करता है, हम तुरंत कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा शांत रहो ना। लेकिन इसकी शुरुआत अपने आप से करनी है। कस्तूरी मृग के बारे में हम जानते हैं जो बाहर ही खुशबू के लिए भागती रहती है, लेकिन खुशबू उसके अपने अंदर होती है। सचमुच शांति, खुशी, आनंद हमारे अपने अंदर है। हम थोड़ी देर शांति में बैठें, आत्मदर्शन करें तो वो शांति हमें महसूस होने लगेगी और वही शांति हम सभी को प्रसाद के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे बांट भी पाएंगे। तो क्यों ना आज इस शांति का सुंदर अनुभव करें, थोड़ा थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल कर। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।